नमस्कार, मैं हूं गोपाल बोगना। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड हिमालय ब्लॉग में। फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम कर रहे हैं अपने न्यू ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज अष्टमी है और आज हम यहाँ पर जो हरियाली हमने पिछले हफ्ते डाली थी वो आपको वीडियो भी दिखाया था, हरियाली इतनी बढ़ चुकी है और आज हम यहाँ पर हरियाली काटेंगे और यहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद हम मंदिर में जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पास ही वैष्णी माता जी का मंदिर है तो हम वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पे आज भंडारे का कार्यक्रम भी रखा हुआ है, तो सारी जो प्रक्रिया वो वहाँ पे होगी वो हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये अनिता देवी जी और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से अब यहाँ पर ये कुछ प्रसाद वगैरह इनका यहाँ पर बना रखा है और ये हमारी हरियाली है, ये काफ़ी बढ़ चुकी है और यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर दिया गया है, धूप और अगरबत्ती जला दिए है और अब भगवान जी को यहाँ पर भोग लगाया जाएगा, देवी माता को यहाँ पे भोग लगाया जाएगा और इस तरह से आप देख सकते हैं अनिता जी यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही हैं और देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे पूजा अर्चना हम कर चुके हैं और यहाँ पे देख रहे हैं मिसेज अनिता जी इस तरह से यहाँ पे ये हरियाली काटने का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न किया जा रहा है और इस तरह से ये हरियाली यहाँ पे कर चुकी है। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं माँ पुंडरीकाक्षिणी मंदिर की तरफ और वहाँ पर आज दुर्गा अष्टमी समापन कार्यक्रम है, वहाँ पर भंडारा भी होगा। तो ये हम अभी रास्ते में हैं, ये हमारी मिसेज अनिता जी और हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ और वहाँ पहुँचने के बाद हम वहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं वो सारा आपको दिखाएंगे। और दूर से ये माता जी का मंदिर इस तरह से दिखाई दे रहा है और ये तमाम ये भक्तगण रास्ते से मंदिर की तरफ जा रहे हैं और हम मंदिर परिसर में आ चुके हैं। या आप देख सकते हैं मेरे पीछे से ये भव्य माँ पुंडरीकाक्षिणी का मंदिर और यहाँ से अब जा रहे हैं हम माता जी के दर्शन करने। यहाँ पर तमाम यहाँ पे जो भक्तगण हैं वो माता जी के दर्शन करके ये वापस आ रहे हैं ताजवणा, ये देख सकते हैं आप। और ये हम प्रवेश कर चुके हैं माँ पुण्यसनी माता जी के मेन जो गेट है वहाँ से हम अंदर जा रहे हैं और अंदर के दर्शन कराने से पहले यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम भक्तगणों का ये तांता लग चुका है और शायद अंदर हरियाली भी कट चुकी है तो हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। देखा ठीक ठाक सब अभी आने लगे अभी आने लगे अच्छा अच्छा और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाली कटने के बाद यहाँ पर नौ कन्याओं को यहाँ पे जिमाया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कन्याओं का यहाँ पर ये जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा चुनाव देख सकते हैं छोटी छोटी कन्याएं। और कन्याओं को ये हरियाली वितरित की जा रही है, ये देख सकते हैं छोटी छोटी कन्याएं। और ये हवन कुंड है, अभी अभी यहाँ पर जो हवन कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है और ये देख सकते हैं यहाँ पर। और ये है हमारी कुलदेवी माँ पुंडरीकाक्षिणी जी, आप भी दर्शन कीजिए, जरूर माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी।
और तमाम भक्तगण ये देख सकते हैं अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर माता जी के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी यहाँ पे फल फूल हैं उनको माता जी को भेंट कर रहे हैं। तमाम मातृशक्ति यहाँ पे आ चुकी है, यह आप देख सकते हैं। और ये मंदिर परिसर के अंदर सारे भक्तगण आ चुके हैं और सभी लोग माता जी के दर्शन करने के लिए ये पंक्तिबद्ध खड़े हैं और अपने नंबर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, कब हम माता जी के दर्शन करेंगे। तो ये देख सकते हैं बहुत लंबी यहाँ पर कतार लगी हुई है और तमाम भक्तगण एक तरफ से आ रहे हैं और दूसरी तरफ से जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कन्याओं को यहाँ पे जिमाया जा रहा है और भंडारा यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। लोग आ रहे हैं और प्रसाद ले रहे हैं और फिर यहाँ पर माता जी के दर्शन करके फिर अपने स्थान को वापस जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे भी बहुत खुश हैं माता जी के दर्शन करके और सभी लोग अब भोजन का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रसाद का इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे कन्याओं को और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको जिमाया गया है और उसके बाद तमाम जितने भक्तगण हैं इसके बाद उनको लाइन में बिठाकर फिर उनको प्यार से भोजन दिया जाएगा, माता जी का प्रसाद दिया जाएगा। और ये यहाँ पर पकवान तैयार किए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर तेल में पूरियाँ तली जा रही हैं और सारे कारीगर यहाँ पर भोजन बनाने में व्यस्त हैं। और अब ये सारे जो बड़े लोग हैं यहाँ पर, सारे माताएं बहनें और तमाम जो गांव के और इधर उधर से जो लोग यहाँ पर माता जी के दर्शन करने आए थे वो सभी लोग यहाँ पर भंडारे का आनंद ले रहे हैं और माता जी का प्रसाद लेके यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर लोग यहाँ पर भंडारे का आनंद ले रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर व्यस्त हैं। ये देख सकते हैं सारी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, एक तरफ पुरुष हैं एक तरफ महिलाएं हैं और सभी लोग बड़े चाव से बड़े प्रेम से यहाँ पर खाना खा रहे हैं। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम, जय भारत, जय उत्तराखंड।